हाय गाइस, आज मैं एक सुपर वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी दिखा रही हूँ जिससे आप 3 किलो तक एक हफ्ते में कम कर पाएंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स की आती थी वेट लॉस रेसिपी के लिए, तो ये रेसिपी उनको भी मदद करेगी क्योंकि ये सबके लिए सेफ़ है, भले ही वो प्रेग्नेंट या नर्सिंग मदर्स हों, PCOS, PCOD, थायराइड पेशेंट्स या फिर बुज़ुर्ग। वीडियो के एंड में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो शेयर करूँगी, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे। सबसे पहले एक मेसन जार या बड़े मुंह वाला ग्लास लें। अब 1/3 कप ओट्स का डालें। अगर थायराइड पेशेंट हैं तो ग्लूटेन फ्री ओट्स यूज़ करें। ओट्स में काफ़ी प्रोटीन और फाइबर होता है जो वेट लॉस में मदद करता है। अब 1 टेबलस्पून चिया सीड्स का डालें। चिया सीड्स एक सुपर फूड है और इनमें बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर है। ये बहुत जल्दी वज़न कम करते हैं अगर खाने में ठीक से यूज़ करें तो। नेक्स्ट 1 टेबलस्पून हेम्प सीड्स या भांग के बीज का पाउडर डालें। हेम्प एक कंप्लीट प्रोटीन है, ये बेस्ट सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन और फाइबर का अगर आप वेजिटेरियन या वीगन है तो। अब थोड़ी सी मिठास लाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून लीची हनी यूज़ कर रही हूँ। अगर ये नहीं है तो प्लेन हनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी ब्रांड या अच्छी क्वालिटी का हो। शहद बॉडी से जमी हुई चर्बी को निकालता है और बॉडी फैट कम करता है। नेक्स्ट ग्लास में 1/2 कप हेम्प मिल्क का डालें। ग्लास पूरा ऊपर तक ना भरें, थोड़ी सी जगह रहने दें क्योंकि चिया सीड्स भी फूलेंगे। अगर हेम्प मिल्क फ्रिज में रखा था तो पहले अच्छे से मिला लें, फिर ही ग्लास में डालें। भांग के बीज का दूध पूरा वीगन है और ये उनके लिए बेस्ट है जो नॉर्मल दूध नहीं पी सकते या उससे एलर्जी है। गाय के दूध का ये अच्छा ऑप्शन है और बच्चों के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत हैं और सारे 20 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। ये दूध आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा और एक्स्ट्रा चर्बी कम करेगा। चिंता ना करें क्योंकि भांग के बीज में कोई नशा नहीं है। इनके बारे में ज़्यादा जानना हो तो मेरे चैनल में हेम्प पाउडर, हेम्प मिल्क और इसके बीज से कैसे वज़न कम कर सकते हैं इसके बारे में वीडियोस मौजूद हैं, उसे ज़रूर देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अब ग्लास को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 घंटे के बाद ये ऐसा दिखेगा। चिया सीड्स फूल गए हैं और ग्लास की खाली जगह ले ली है। अब नाशपाती के कुछ पीसेस ऊपर से डालें। पेयर में बहुत सारा डाइट्री फाइबर और पानी है, ये भूख शांत करके ज़्यादा खाने से बचाता है। आप सेब या एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। आखिर में एक ड्राइड स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर रही हूँ। ये फैट और ग्लूटेन फ्री है, वैसे ये ऑप्शनल है। और अब हमारा सुपर वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार है। अब कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है वो है, इसे रात को बनाकर ना रखें। सुबह बनाने के बाद फ्रिज में याद से रखें, नहीं तो हेम्प मिल्क ख़राब हो सकता है। खाने से पहले अच्छे से मिला लें। नॉर्मल दूध ना यूज़ करें, वज़न ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर वज़न जल्दी और ज़्यादा कम करना है तो रात के खाने के बदले भी इसे ले सकते हैं। बाकी के दिन हेल्दी खाएं, जितने दिन चाहें इसे खा सकते हैं। जो इस रेसिपी में सामान यूज़ हुए हैं उनको लेने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। ये वीडियो आप इंग्लिश में मेरे पहले चैनल वर्सेटाइल विकी में देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और उम्मीद है आपको पसंद आए। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस सुपर हेल्दी हाई प्रोटीन लो कार्ब वेट लॉस ब्रेकफास्ट रेसिपी को खाएं और हर सुबह वज़न कम होता पाएं। बाय बाय।